Assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammad Usman Ali. I'm field physiology trainee in Sheikh Zayed PGMI Lahore. Today our topic is examination of chest regarding cardiovascular system. Okay. So first of all, steps of examination. अच्छा, इसमें हमने चार स्टेप्स करने होते हैं बेसिकली. जब भी आपने किसी भी सिस्टम का आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है तो आप इंस्पेक्शन से स्टार्ट करते हो. इंस्पेक्शन, फिर उसके बाद पाल्पेशन है, परकशन है, ऑस्कल्टेशन है. ठीक है, लेकिन इस एग्ज़ाम का जो है ना प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में ये होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो पेशेंट है आपका, वो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में हो. ठीक है, एक आप अच्छी लाइट में उसको एग्ज़ाम कर रहे हो क्योंकि आपने उसके चेस्ट पे स्कार्स देखने हैं या कोई एबनॉर्मैलिटी देखनी है, तो अच्छी लाइट होनी चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए. एक मेन प्राइवेसी मेंटेन करनी है क्योंकि आपने उसकी चेस्ट एक्सपोज करनी है, तो आप कर्टन यूज़ करें. ठीक है, और अगर आप अगर उसको सर्दियों में कर रहे हैं तो उसको आपके जो हैं उसका टेम्परेचर वो नॉर्मल तरीके पर होना चाहिए. और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सबसे पहले आपने राइट साइड पे खड़े होना है पेशेंट के, हमेशा राइट साइड पे खड़े होना है. और जाते ही आपने कंसेंट लेना है पेशेंट से. जब तक आप कंसेंट लेंगे वो अलाउ करेगा फिर आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है स्टार्ट करने का. ठीक है, और उसका भी एक प्रॉपर तरीका है कंसेंट लेने का. आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है कि सपोज के जैसे मैं अगर किसी पेशेंट का एग्जाम करना है तो मैं कहूँगा माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अली, मैं मुझे आपका चेस्ट एग्जामिनेशन के लिए कहा गया है, मैं यह करना चाहता हूँ. ठीक है, तो आप काइंडली मुझे अलाउ करेंगे और उसके लिए मुझे आपकी चेस्ट एक्सपोज करनी होगी, आपको शर्ट अनबटन करनी होगी, इस तरह चीज़ें आप पूछ लो उसे, उसको वो अलाउ कर देगा. तो फिर आपने सबसे पहले इंस्पेक्शन से स्टार्ट करना है. इंस्पेक्शन में क्या करना है, आपने उसकी शेप चेस्ट की शेप देखनी है कि वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, एलिप्टिकल इन शेप है. ठीक है, उसके बाद स्कार्स देखने हैं कि उसकी चेस्ट पे कोई स्कार्स वगैरह तो नहीं है. सपोज कि जैसे कोई हार्ट सर्जरी हुई है तो आपको स्टर्नम पे स्कार नजर आएगा, सर्जिकल स्कार. उसके बाद कोई वेन, नॉर्मली तो कोई वेन नहीं होती. ठीक है, प्रोमिनेंट नहीं होती, लेकिन अगर कोई स्पीरोवेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें कोई पैथोलॉजी है, तो शायद मे बी उसमें कोई आपको वेन भी महसूस हो उधर या नजर आए इंस्पेक्शन में. और उसके बाद पल्सेशन है. पल्सेशन वैसे तो अगर कोई थिन नीन पेशेंट है और स्पाइन पोजीशन में लेटा हुआ है तो वो आपके एपेक्स स्पीड आपको शायद आपको इंस्पेक्ट कर सको आप. या अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा कोई एंजाइटी में है या नर्वस है तो पेल्पिटेशंस आ रही हैं तो शायद आपको वो फील हो थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन के दौरान, अदरवाइज इतना वो नहीं है. उसके बाद इंस्पेक्शन के बाद नेक्स्ट जो है ना पॉइंट है वो पाल्पेशन पे है. पाल्पेशन आपने कैसे करनी है, वो आपने अपना फिंगर्स एंड पाम यूज़ करनी है. ठीक है, वो सबसे पहले आपने स्टार्ट करनी है लेफ्ट साइड ऑफ दी चेस्ट. ठीक है, वो आपने एपेक्स स्पीड सपोज माइट्रल एरिया एपेक्स स्पीड यहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है, उसके बाद आपने उसमें देखना है पेशेंट में टेंडरनेस तो नहीं है, किसी किस्म की टेंडरनेस हो वो पेशेंट आपको बता देगा जब आप पाल्पेट करोगे. ठीक है, और कोई भी अगर मर्मर हो तो आपको कोई थ्रिल आपको फील हो जाएगी, एनी पाल्पेबल मर्मर इज कॉल्ड थ्रिल. ठीक है, हार्ट साउंड जो नॉर्मल जो है ना S1 NS2 पाल्पेबल नहीं होती, लेकिन अगर कोई पेशेंट ज़्यादा ही है, नर्वस हुआ हुआ है या बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, कोई पेल्पिटेशन चल रही हैं, तो आपको वो एक फील होगी. आप उसके लेफ्ट साइड पे लेफ्ट पेडस्टल में बॉर्डर पे रखोगे तो आपको शायद फील हो, अदरवाइज पाल्पेशन में एपेक्स बीट फील होती है ज़्यादा. एपेक्स बीट क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ प्रीकॉर्डियम वेयर अ डेफिनेट कार्डियक पल्सेशन इज फेल्ट. ठीक है, एपेक्स बीट का जो है ना वो आपको फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिलेगी. ठीक है, उसका तरीका सबसे पहले आपने एंगल ऑफ लुईस आपका सुपर स्टर्नल नॉज के नीचे जो आउट बल्जिंग है चेस्ट पे वो एंगल ऑफ लुईस, उसके साथ जो है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस थी बेसिकली. सेकंड जो है रिब आपके अटैच है और उसके साथ नीचे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है. फिर आपने मूव करते जाना है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ठीक है, और ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको एपेक्स स्पीड फील होती है, मतलब आप पाल्पेट कर सकते हो. कई दफ़ा आपको इंस्पेक्शन में भी मिल जाती है अगर ज़्यादा ही नींद पेशेंट है. ओके, इसमें उसके बाद जो है आपने
परकशन है, परकशन परकशन बेसिकली होती है जो कार्डिक बॉर्डर्स है ना उसको हमने परकस करना होता है कि वो राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट आपने परकस करना है तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस टू फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको राइट बॉर्डर फील होगा। आपने आपको ये हम अभी करेंगे भी किसी सब्जेक्ट पे तो आपको मज़ीद डिटेल से समझ आ जाएगी। आपने मीडियली टू लिटरली आपने मूव करना है, ठीक है, राइट बॉर्डर के लिए सेकेंड इंटरकोस्टल, फ्रॉम सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस टू फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मीडियली टू लिटरली आपको डलनेस फील होना शुरू हो जाएगी जब आपको हार्ट बॉर्डर आएगा। इसी तरह आपका लेफ्ट बॉर्डर है वो है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस टू फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। इसी तरह वो आपने लिटरली टू मीडियली मूव करना है और आपने परकस करते करते जाना है और आपको फील हो जाएगी। ये परकशन में सिर्फ बॉर्डर्स हैं, दो बॉर्डर वो आपको बता दिए। उसके बाद ऑस्कल्टेशन है, ऑस्कल्टेशन में आपके चार मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपने ऑस्कल्टेट करना है, ठीक है। ऑस्कल्टेशन आपको पता है स्टेथोस्कोप से होगी, ठीक है, और पेशेंट शुड बी इन स्पाइन पोजीशन, ठीक है। आप माइटर एरिया जो है वो उसका जब ऑस्कल्टेट करना है तो आपको एपेक्स बीट जहाँ पे आपने फील की थी पालपेट की थी वहाँ पे ही, मतलब कि फिफ्थ इंटरकोस्टल, फोर्थ टू फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस बेसिकली वो इसका है पोजिशन, इसी में है। उसके बाद ट्राइकस्पिड एरिया जो है इट इज़ क्लोजर टू लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, मेनली फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मतलब कि टू बी प्लेसर। उसके बाद पल्मोनरी एरिया है, पल्मोनरी एरिया जो है आपका लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस क्लोज टू स्टर्नम, ठीक है, आपका ये जो है सुपर स्टर्नम नॉच है एंगल ऑफ ट्रीज। उसके बाद सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस आपका पल्मोनरी एरिया है, राइट साइड पे आपका एओर्टिक एरिया है। ये चार एरियाज हैं जो आपने ऑस्कल्टेट करने हैं, ये आपको मतलब कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इंस्पेक्शन, उसके बाद पालपेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, आपको सारी चीज़ें आप हम परफॉर्म करेंगे फिर मज़ीद आपको डिटेल्स पता चल जाएगी। लेट्स अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है, मुझे आपका टेस्ट एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, तो क्या उसके लिए मुझे आपके जो है शर्ट भी अनबटन करनी पड़ेगी, ठीक है, आपकी टेस्ट एक्सपोज करनी पड़ेगी, ठीक है, आप मुझे इस प्रोसीजर के लिए अलाउ करते हैं? ओके, थैंक यू। ओके, आफ्टर कंसेंट, पहली बात ये है कि आपने राइट साइड पे खड़े होना है पेशेंट के, राइट साइड पे खड़े होके उसके बाद आपने कंसेंट देना है। कंसेंट में पेशेंट की इजाज़त आपको चाहिए, ठीक है, वो मैंने इजाज़त ली है, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, मैंने उनकी शर्ट अनबटन की है, ठीक है। अब हम सबसे पहला पॉइंट था इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन में हमें देखना है कि इनकी चेस्ट शेप जो है नॉर्मल है, ठीक है, कोई स्कार मार्क तो नहीं है, ठीक है, इसके अलावा जो है कोई किसी किस्म की पल्सेशन वगैरह, एबनॉर्मल पल्सेशन, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, या कोई वेन प्रोमिनेंट तो नहीं है, वो ऐसे कोई मुझे इंस्पेक्शन पे फील नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद अब हमने इंस्पेक्शन के बाद पालपेशन हमेशा हमने स्टार्ट करनी है इनके एपेक्स स्पीड पे, ठीक है, वो हमने कैसे स्टार्ट करेंगे, वो सबसे पहले इनका ये देखना है सुप्रा स्टर्नल नॉच है, सुप्रा स्टर्नल नॉच के नीचे आउट बल्जिंग होती है एक, उसको एंगल ऑफ लुईस बोलते हैं, एंगल ऑफ लुईस पे उसके साथ ही नीचे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है, फिर उसके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस यहाँ पे हमने पालपेट करना है एपेक्स बीट के लिए, ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे पालपेशन होगी एपेक्स बीट की, आपको फील हो जाएगा ये बेसिकली माइट्रल एरिया है, ठीक है। और इसी तरह हमने इसको मूव करना है इसके लिए ट्राइकस्पिड एरिया के लिए फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और यहाँ पे आपका पल्मोनरी एरिया है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, यहाँ पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे ट्राइकस्पिड एरिया है, ये पालपेट होगा। उसके बाद आपका एओर्टिक एंड पल्मोनरी एरिया, ये आपने पालपेट करना है, ठीक है,
ये आपकी पाल्पेशन है। पाल्पेशन के बाद परकशन, ठीक है। परकशन में हमें राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर हार्ट का देखना होता है। उसमें राइट बॉर्डर में आपका आपने सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से स्टार्ट होना है, ये एंगुलर फ्लुइड से सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से आपने मीडियली टू लेटरली मूव करना है परकस करते हुए, और फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ट्राइकस्पिड एरिया यहाँ तक आना है। और इसी तरह जो है आपका लेफ्ट बॉर्डर जो है वो थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस से स्टार्ट होगा और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक आएगा, ठीक है। हम करके देखते हैं। अभी यहाँ पे ये इनका स्टर्नल नॉच ये है, सेकंड मीडियली टू लेटरली आपने मूव करना है। ये जैसे ही आप लेटरली मूव करेंगे आपको डलनेस फील होगी, ठीक है। डलनेस का मतलब ये है कि इनका हार्ट का बॉर्डर राइट बॉर्डर आपको फील हो रहा है। यहाँ पे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेटरली टू मिडली मूव करना है। डलनेस जहाँ पे फील हो जाए उसका मतलब ये है कि आपका लेफ्ट बॉर्डर आ रहा है। ये आपकी हार्ड बॉर्डर है परकशन के लिए, ये आपने राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर बेसिकली आपने परकस करना है, ठीक है। उसके बाद है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन के लिए फोर एरियाज हैं, माइट्रल एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, पल्मोनरी एरिया लेफ्ट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, और एओर्टिक एरिया राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। और ये हमने इसको ऑस्कल्टेट करना है। सबसे पहले इसका ये आपको आइडिया होगा उसका ये स्टेथोस्कोप के लिए कि इसका जो आउटवर्ड हो ये जो है ना ईयर पीस आउटवर्ड होंगे तो आपको इजीली ये आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये आपने चेक करना है कि आपका डायफ्राम ऑन है, क्योंकि ये आपकी एक दफ़ा लॉक होता है, ये पहले यूज़ हो रही होती है, हमने इसको ऑन करना है डायफ्राम को, ये ऑन हो गया। अब इसका माइट्रल एरिया हम ऑस्कल्टेट कर रहे हैं S1 साउंड के लिए। वी विल ट्राई ट्राइकस्पिड एरिया, पल्मोनरी एरिया S2 साउंड के लिए, एओर्टिक एरिया। अच्छा, ये ऑस्कल्टेशन है, ये आपके प्रॉपर यही पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये चार पॉइंट्स हैं, इस पे ही फोकस आपका होना चाहिए। और पॉइंट्स याद रखने हैं ऑस्कल्टेशन के लिए, माइट्रल एरिया फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ट्राइकस्पिड एरिया लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, क्लोज टू द स्टर्नम, इसी तरह आपका जो है पल्मोनरी एरिया है वो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर एओर्टिक एरिया है, ठीक है। जो S1 आपको फील होगी उसमें माइट्रल एरिया में, और पल्मोनरी एरिया में S2, ठीक है। बाकी